नमस्कार, खबरें देश बुलेटिन चुनिंदा स्वागत है। मैं सरबजीत कौर, तो उन सबने से पहले पेश न खास खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अखनूर का शडूमी थारे एक विशाल चुनावी जनसभा की कीता संबोधित। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की नीतियों की कीती आलोचना। चुनाव आयोग ने संसदीय चुनाव के त्रीए गेड़ से अधिसूचना की जारी। घाटी च बख बख टाकरे च सुरक्षा बलें पंजे आतंकवादियों का किया सफाया। खास खास खबर खबर तफसील करने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अखनूर का शमालपुर डूमी थारे एक विशाल चुनावी जनसभा की संबोधित किया। उन्हें कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी की नुक्ताचीनी की आखे जे इन्हें पार्टियां जम्मू कन्ने छल किया। उन्हें आखे जे बड़े अफसोस वाली गल है जे कांग्रेस के एक सलाहकार आतंकवाद ते पाकिस्तान की सरेआम क्लीन चिट दया करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी होरें आखे जे एह गल होर भी मते अफसोस आली है जे कांग्रेस उस नेशनल कॉन्फ्रेंस कन्ने हत्थ मिला करदी है जेदे नेता खुलेआम भारत विरोधी नारे ला करदे हे। उन्हें आखे जे सरहदें ते एलओसी उपर कीती जा करदी कारवाई दा भारत सेना जिस चाली जवाब देआ करदी है ओदे कन्ने पाकिस्तान मता चिर नहीं टिकन लगा। प्रधानमंत्री होरें उंदी सरकार पासेआ रियासत जम्मू कश्मीर लई ते खास करी जम्मू खित्ते ताईं आरंभ कीती गई बख बख विकास योजनाएं की गल भी कीती। इन्हें योजनाएं च जम्मू अखनूर सड़कै गी चैड़ा करना, चुनाव पर इंद्री पतन परगवाल थारे नमे पुले दा निर्माण ते जम्मू च IIM IET आरंभ करने दे काम शामिल ने। उन्हें आखे जे उंदी सरकारें समाज दे आम वर्ग कन्नै सरबंध रखने आले गरीब लोकें गी 10% ते रियासता दे पहाड़ी जबान बोलने आले लोकें आस्तै 3% आरक्षण लागू कीता जेड़ी लम्मे चिरे थमां बकाया पेदी मंग ही। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस की ये भाषा आपको मंजूर है? पीडीपी की भाषा मंजूर है? एनसी की भाषा मंजूर है? आज आतंकी और आतंक के सरपरस्त वो दुआएं मांग रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, चौकीदार उससे जैसे तैसे छुटकारा मिले। और ये महामिलावटी दिल्ली में आकर के बैठ जाए, क्या देश को ये मंजूर है? आपको ये मंजूर है? जम्मू कश्मीर की स्थिति जो आज है, इसके लिए ये तीनों जिम्मेदार है कि नहीं है? कांग्रेस जिम्मेदार है कि नहीं है? नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है कि नहीं है? पीडीपी जिम्मेदार है कि नहीं है? इन्हीं की ही साझेदारी का परिणाम है कि इतने वर्षों तक कश्मीरी पंडितों को इतना कुछ सहना पड़ा। आतंक का जो जहर जम्मू कश्मीर में घुला है, उसके बड़े जिम्मेदार भी यही तीन दल है। डोडा उधमपुर संसदीय हल्के ताई भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉ जितेंद्र सिंह ने आज सांबा जिले के मावा मधून ते राजपुरा इलाके का दौरा लाया। इन्हें थाने जनसभाएं की संबोधित करते हुए उन्हें भाजपा दी नीतियां ते कार्यक्रमें पर लो पाई। उन्हें आखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदी अगुवाई च केंद्र सरकार ने हर खेत्र च समाज की भलाई बेहतरी ताई काम कीते न। विकास 5 वर्षों में हुआ है, निश्चय ही उनको कहीं भी ना कभी ये सवाल उनके सामने आएगा, उनको उत्तर देना पड़ेगा कि ये सारे काज 65 साल भी हो सकते थे। उदाहरण के तौर पर शो, ये तो मीडिया मित्रों को इस कभी ना कभी समय लगेगा इसका शोध करने का, अध्ययन करने का। शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट 40 वर्ष से ठंडे बस्ते में पड़ा था, क्यों कर, कौन सी राजनीति थी, कौन सी प्राथमिकता थी? क्या इसलिए कि इस क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जा रहा था? मोदी जी के हस्तक्षेप से इस पर काम शुरू हो गया, 1.5 बरस में ये तैयार हो जाएगा, कंडी का इलाका कंडी नहीं कहलाएगा। अनेकों ऐसे सवाल हैं जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं, और अपनी नाकामियों पर, अपनी कुरीतियों पर, अपने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड पर पर्दा डालने के लिए वो मनगढ़ंत कहानियां लेकर के इकट्ठे हुए हैं मात्र वोट बैंक की राजनीति के लिए। लोकसभा चुनाव के सिलसिले च आज कांग्रेस पार्टी के जम्मू पुंछ संसदीय हल्के के उम्मीदवार रमन पल्लौर ने पुंछ के कृष्ण चंद्र पार्क च एक जनसभा की संबोधित करते हुए भाजपा सरकार उपर झूठे वायदे करने का आरोप लाया। उन्हें आखिया भाजपा के शासनकाल रियासत आतंकवाद से सीमा पार है भारी गोलीबारी कन्ने जानो माल का बड़ा नुकसान होया। उन्हें आखिया जेकर कांग्रेस की सरकार बनी तो लोगों की परेशानियों की दूर करने ताई काम करोग। कौन मानता था
ये सरकार खुद ब खुद लोगों के सामने एक्सपोज हो जाएगी। आज इन चीजों की देखने की जरूरत है कि जब ये लोग सत्ता में हो तो गोचियों पे FIR लगे तो वही जैसे हो, जब सत्ता से बाहर आए तो उनका राजनीतिकरण करने का प्रयास करें। हर सेक्टर में डेवलपमेंट यहाँ पे होगी और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे चाहे नौजवान साथी हो, युवाओं की शक्ति को, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने में रोजगार मुहैया हो, पूंछ डेवलपमेंट इसमें और ज़्यादा हो सके, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये पिलग्रिम टूरिज्म उसका रुख भी यहाँ पे कर पे, डेरा नंगाली साहब है यहाँ पे, उमर बुढ़ा अमरनाथ है, साई मीरा की ज्यारत यहाँ पे है, इसकी ये हिस्टोरिक एक अपनी वैल्यू है। बहुजन समाज पार्टी की तरफा जम्मू पुंछ लोक सभा हल्के थमा चुनाव लड़ा करते पार्टी उम्मीदवार बद्रीनाथ हुंदे लई लोकें दा समर्थन हासिल करने लई आज विजयपुर च एक चुनावी रैली दा आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी दे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश ते पश्चिमी बंगाल दे प्रभारी ते राज्यसभा सदस्य राजा राम होरें भाषण दिंदे होई लोकें दा आह्वान किया जे बसपा दे हक च मतदान करिए, पार्टी अध्यक्ष मायावती हुंदे हत्थ मजबूत करन। रैली गी मकामी नेताएं भी संबोधित किया। आज मैं मुझे बहन जी के आशीर्वाद से, मुझे ये लोग हमारे लोगों का कभी भी भला नहीं कर सकते। ये लोग ये जो दूसरी पार्टी हैं, इनके दिखाने के दांत कुछ और हैं और खाने के दांत कुछ और हैं। उसमें अगर हमारा साथ दे तो मैं चाहता हूं कि आने वाले वक्त में आप सब लोग, मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि हमारी भी इज्जत तभी है अगर आप लोग वोट डालेंगे। हमें कोशिश करनी है जम्मू से भी हमें दो पार्लियामेंट सीट जिताकर दिल्ली में भेजने हैं। जम्मू दे मुख्य चुनाव कमिश्नर हुंदे निर्देशें मुताबिक सख्त सुरक्षा प्रबंधें बिशकार EVM मशीनां डोडा थमां भद्रवाह लई रवाना कर दित्तियां गईआं। इस बारे जानकारी दिंदे होई जिला नोडल अधिकारी फयाज मेहता होरें आखिया जे राजनीतिक पार्टियां ते प्रशासन दे प्रतिनिधियां दी मौजूदगी च EVM ते VVPAT मशीनां भद्रवाह दे 183 मतदान केंद्र लई रवाना कीतियां गईआं। ECI की मशीन आई थी, उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अंडर क्लोज सुपरविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर डिप्टी कमिश्नर डोडा, एक टीम आई थी ECI की, जिन्होंने इनकी FLC की फर्स्ट लेवल चेक जो होता है मशीन का, एक एक मशीन को चेक किया जाता है, इसके बटन चल रहे हैं, फिजिकल स्टेटस क्या है मशीन का, ऑपरेशन क्या है, और उसमें से हमारी जो मशीनें ओके होके निकलती हैं, बाद में इनका प्रॉपर हम FLC जो है पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने हुआ है ये, उसके बाद जो मशीन जिसमें से ओके हो गई उनकी फर्स्ट रैंडमाइजेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने की इन प्रेजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। उधमपुर जिले च प्रिजाइडिंग अधिकारियों चुनाव प्रक्रिया EVM के कन्ने कन्ने VVPAT बारे जानकारी पैदा करने लिए एक रोजा सिखलाई प्रोग्राम का आयोजन किया गया। जिला चुनाव अधिकारी डॉ पीयूष सिंगला की निगरानी च चुनाव अथॉरिटी की तरफा लोए गए इस प्रोग्राम च मास्टर ट्रेनर सुभाष सिंह होरें EVM ते VVPAT दे इस्तेमाल उपर लोक पाई। आंदे लोकसभा चुनाव के त्रीए गेड़ तहत मतदान लई अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस गेड़ तहत जम्मू ते कश्मीर दे एक एक चुनावी हल्के सने 14 रियासतें ते केंद्र शासित प्रदेशें दे 115 चुनावी हल्कें च वोट पुआए जांगन। मतदान दे त्रीए गेड़ तहत अप्रैल महीने की 23 तरीक की वोट पुआए जांगन। इहदे लई नामजदगी दे कागज पत्र भरने की खीरी तरीक 4 अप्रैल होग ते 8 अप्रैल तोड़ी उम्मीदवार अपने नां वापस परताई सकते न। खबरें दा बुलेटिन जारी है पर पहले एक लोकी जनेही ब्रेक। बहन जी ये पानी क्यों फेंक दिया? अरे नल में ताजा पानी आ रहा था उसे भरने के लिए। लेकिन बहन जी इस पानी का इस्तेमाल आप दूसरे कामों के लिए भी तो कर सकती थी। हाँ, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। पानी को बर्बाद करने से पहले पानी की अहमियत के बारे में जरूर समझें। जल आज बचाओगे तो कल पाओगे। पिताजी ब्रेक प्रांति करीब पड़ती है, तुम्हारा स्वागत है। देख रही हो, जब भी वोट देने जाता है तो मेरा आशीर्वाद लेकर जाता है। इसके लिए तो हम आज भी जिंदा हैं। जिंदा तो हम वोटर्स लिस्ट में भी हैं। आत्मा शांत नहीं है मेरी। कोई हमारे नाम का गलत इस्तेमाल कर ले तो वोटर्स लिस्ट में से हमारा नाम कटवाना भी तो इसी की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी निभाएं, मरणोपरांत परिजनों का वोटर आईडी फॉर्म 7 जमा करके निरस्त कराएं।
फॉर्म 7 mvsp.in पर ऑनलाइन भी आसानी से जमा कर सकते हैं। ब्रेक पर एक बारी परतिए तुंदा स्वागत है। शोपियां जिले च अज बड़ले सुरक्षा बलें कन्नै इक टाकरे दौरान त्रै आतंकवादी मारे गए। यह टाकरा जंदी राती जिले के केलर इलाके च उसलै शुरू होया जिसलै सुरक्षा बलें आसिया घेरा पाइए तलाशी अभियान चलाया जा करदा हा। तोई कुपवाड़ा जिले के यारू लंगेट इलाके च अज बड़ले सुरक्षा बलें इक टाकरे दौरान दो और आतंकवादियों की मारी टकाया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इंडिया आसिया अज प्रेस क्लब जम्मू च एक पत्रकार सम्मेलन दा आयोजन किया गया। एदे च बोलदे होई संगठन दे अध्यक्ष ऋषि पाल सिंह होरें महाराजा हरि सिंह हुंदे जन्म ध्याड़े पर छुट्टी घोषित कीते जाने की मांग की। इस मौके जम्मू कश्मीर सने हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा दिल्ली ते राजस्थान थमां संगठन दे सदस्य पत्रकार सम्मेलन च मौजूद हे। उन्हें आखे जो अपनी मांग की राष्ट्रीय सतह उपर भी पुटगन। जन्मदिन पे एक हम लोग महाराजा हरि सिंह जी की जो मांग है जो हमारी जम्मू से शुरू होके पंजाब तक और हरियाणा तक अभी तक पहुंची है उसको हम ऑल इंडिया लेवल पे लेके जाए। तो हमारे संगठन का उद्देश्य है कि क्षत्रिय समाज को कैसे आगे लिया जाए, जो हमारे महापुरुष हैं उनकी वीर गाथा को कैसे आगे पहुंचाया जाए और हम अपने युवाओं को कैसे प्रेरणा देते रहे जिन्होंने कुदता। ट्यूलिप गार्डन इन्हें दिनें सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बने दा है। रंग बिरंगे ट्यूलिप फुलें इस बगीचे च सैलानियों आस्ते दाखला मुफ्त है ते समय दी भी कोई पाबंदी नहीं है। ए पार्क फुलें दी काश्त आले महकमे पासिया तैयार किया गया। इन पार्कों में डेवलपमेंट होगी तो जो हमारा विजिटर है वो ज़रूर बढ़ेगा और हमारा यहाँ का कारोबार भी थोड़ा बढ़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि हमारी ये तीन चार पार्कें हैं और इनको डेवलपमेंट किया जाए तो जो बाहर का विजिटर है या ये जम्मू में जो आते हैं वो सभी विजिटर लोग यहाँ जाते हैं। श्रीनगर वाले भी फिर घूमने के लिए यहाँ पार्क देखने के लिए आते हैं। मैंने सेना पास अज रियासी जिले की तलवाड़ा थाने मकामी नौजवानों वास्ते साइकिल दौड़ का सरिस्ता किया गया। इसी ब्रिगेडियर जीएस शेखावत होरें रियासी के खेड स्टेडियम थमां झंडी दसिए रवाना किया। इहदा मकसद नौजवानों च आपसी भाईचारे ते देशभगती दी सोच गी बढ़ावा देना है। रामबन जिले दी कानूनी सेवा प्राधिकरण पासे अज उथुआं दी सब जज अदालत सरकारी हायर सैकेंडरी स्कूल ते कुड़ियां दे हाई स्कूल दे परिसर च बूटे लाने दी मुहिम चलाई गई। ए मुहिम बटोत दी जंगलात डिवीजन दे सहयोग कन्नै चलाई गई। इस मौके बख बख किस्में दे बूटे लाए गए। प्राधिकरण के सचिव प्रेम सागर होरें इस मौके पर विद्यार्थियों की रुख बूटे लाने ते साफ सफाई के कम्मे च योगदान देने का आह्वान किया। मैकेनिज्म है वो हम बता सकें कि आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग ये जो पेड़ है ज्यादा से ज्यादा लगाएं। जब आप लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे कि हमारा माहौल हमारा वातावरण साफ होगा तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और वातावरण भी साफ रहेगा। जिला सांबा च एक सामाजिक संस्था लॉयंस पासिया अखी दी बीमारियों के इलाज ले मुफ्त शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर च क्लब के मैंबर समेत मैडिकल सुपरिंटेंडेंट ते कई डॉक्टर भी मौजूद है। इस कैंप च 50 कोला मते मरीजों की अखी की जांच की गई। दान या नेत्र रोशनी ये सबसे जरूरी चीज है, इसके बिना लाइफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो हम लॉयंस क्लब वाले 40 साल से इसमें लगे हुए हैं और इस पे मेहनत कर रहे हैं। मौसम विभाग की सूचना मुजब जम्मू च अज दिने का बदोबद तापमान 29.8 डिग्री सैलसियस जिले की कल राती का घट्टो घट तापमान 16.3 डिग्री सैलसियस रिकॉर्ड किया गया। ते उन खीर च खास खास खबरें एक बारी परतिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अज अखनूर कश डूमी थारे एक विशाल चुनावी रैली की कीता संबोधित। कांग्रेस नैशनल कांफ्रेंस ते पीडीपी दी नीतियां दी कीती आलोचना। चुनाव आयोग ने संसदीय चुनावों के त्रीए गेड़ आस्ते अधिसूचना कीती जारी ते घाटी च बख बख टाकरे च सुरक्षा बलें 5 आतंकवादियों का कीता सफाया। खबरें दे इस बुलेटिन च बस इन्ना गै। दिओ इजाजत, नमस्कार।